तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। कोई ट्रांसलेशन कर रहा है? कोई ट्रांसलेशन कर रहा है कि नहीं? हाँ, और कोई? ओम तुम कर उसको दे दो। क्या ना इसको दे दे। देखो चल रहा है कि नहीं? हो गया। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जोर से बोलो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये घर का मालिक का नाम क्या है? दयानिधि प्रभु। हो हरे कृष्ण। चंद्रकांति चंद्रिका हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। श्री दयानिधि और श्री चंद्रिका दीदी अपना घर में आज भक्त लोगों को हरि कथा और हरि कीर्तन करने के लिए इन्होंने घर में सबको बुलाया है। इसलिए भागवत में जो भगवान का जो नाम और कीर्तन कथा को भागवत में सब अलग अलग नाम दिया है। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कथा को नाम देते हैं, ये कथा नहीं, कहते ये क्या है? कहते ये नेक्टर है। हाँ, ये नेक्टर, ये अमृत है। और एक नाम देते हैं, कहते ये औषध, मतलब दब मेडिसिन है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले निवृत तस्य रूप गीयमानात् भव औषध छत्र मनोभिरामात् कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान बिरज्यत बिना पशुघ्नात्। जब ये दशम स्कंध को शुरू कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण कथा की महिमा को गाते हुए कहते हैं, कहते तीन गंगा है। कितना गंगा है? कितना गंगा है बताओ, कौन बोल सकता है? तीन गंगा क्या क्या है बोलो, कौन बोलेगा? हाँ, सब भूल गए सब। कैसे? इसलिए कहते एक गंगा है, कहते स्वर्ग लोक में, जिसका नाम मंदाकिनी। दूसरी गंगा में कल सबको पूछूंगा, आज याद करेगा। इसलिए दूसरी गंगा है इस मरते जगत में, जिसका नाम भागीरथी, जिसको भागीरथ ने लाया। कहते तीसरी गंगा है पाताल में, जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा, एक गंगा स्वर्ग का कल्याण करती हैं, दूसरी गंगा मर्त्य जगत का कल्याण करती हैं, और तीसरी गंगा ये पाताल लोकों को पवित्र करती हैं। कहते तो उसी तरह जो भगवान की कथा, जो कृष्ण कथा, वो भी तीन लोकों को पवित्र करती हैं। बोले किसको किसको पवित्र करती हैं? कहते जो सुनने वाले उसको पवित्र करती है, दूसरे नंबर वाले जो
पूछने वाले, जो प्रश्न करने वाले हैं। तीसरा नंबर है जो बोलने वाले हैं, हैं? ये तीन लोगों को ये कृष्ण कथा पवित्र करती है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहती हैं, कहते हैं ये कृष्ण कथा की इतने महिमा, कृष्ण कथा की इतने महिमा है, बोले निभृत तसई रूपगीय मानात। इसका मतलब है केवल कथा हम ही सुनते हैं ऐसे बात नहीं, कहते कृष्ण कथा केवल बद्ध जीव ही सुनते हैं ऐसे नहीं, कहते जो संसार से मुक्त महापुरुष है, संपूर्ण रूप में जो मुक्त हो गए इसी संसार से, वो भी कृष्ण कथा सुनते हैं। हैं, जैसे कौन है ये कथा को सुनने वाले, बोले ब्रह्मा भी कथा सुनते हैं, नारद भी कथा सुनते हैं, व्यास देव भी सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी सुनते हैं, परीक्षित महाराज भी सुनते हैं, ध्रुव प्रह्लाद अम्बरीश महाराज ये भी कथा सुनते हैं, श्री षड गोस्वामी ये भी कथा सुनते हैं। इसलिए कहते हैं जो मुक्त महापुरुष है वो भी कृष्ण कथा सुनते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा सुनते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले तुंडे तांडव निबित वितनुते तुंडा बलि लब्धय करना क्रडो कडमिनि घटयते करना बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनि रचयते सर्वे इंद्रियाणाम कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्णति वर्णद्वय। कहते श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कथा इतना मीठा है, कृष्ण नाम इतने मीठा, कृष्ण नाम और कृष्ण कथा कहते जब कानों में प्रवेश करता है, कहते भैया ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, कृष्ण नाम इतने मधुर हैं, कृष्ण कथा इतने मधुर सुनने के लिए उनने दो ही कान क्यों दे दिए, इसलिए ये करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया, कर्ण करोड़ों कड़मिनी, मतलब ये करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया। कहते जब ये नाम जिह्वा में उदय होता है कृष्ण नाम, कहते तुंडे तांडविनी वित वितनुते, कहते जिह्वा ऐसे नाचना शुरू करता है जैसे शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं, हैं? जैसे तांडव नृत्य करते हैं जिह्वा ऐसे नृत्य करती है, इसलिए ब्रह्मा को कहते ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, एक जिह्वा क्यों दे दिया, हैं? कहते ये अर्बुद खरबुद जिह्वा क्यों नहीं दे दिया, तभी कृष्ण नाम लेकर के हमें आनंद मिलता। लेकिन ये कृष्ण नाम जब हृदय में प्रवेश करती है, जब कृष्ण नाम हृदय में प्रवेश करती है ऐसे लगता है जैसे एकदम अमृत की धारा बह रही है, हाँ आनंद की धारा हृदय में बह रही है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते जो कृष्ण कथा इतने मीठा, इतने मधुर कृष्ण कथा, जो कृष्ण कथा जो संपूर्ण संसार से मुक्त हो गए वो भी कृष्ण कथा सुनते हैं। अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहता है, संसार का दुख कष्ट से कोई अगर निकलना चाहते हैं, कहते सबसे सरल उपाय क्या है, कहते सबसे सरल उपाय क्या, बोले कृष्ण कथा, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहीं पर बैठो और कृष्ण कथा सुनो, केवल कथा सुनो, जब तक कथा सुनते सुनते तुम भगवान का धाम को प्राप्त नहीं कर लेते हो तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं किया, कुछ उन्होंने नहीं किया, केवल कृष्ण कथा सुनते 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 गोलोक वृंदावन से विमान आया, रथ आया, और रथ में एक गोपी स्वरूप, गोपी स्वरूप धारण करते हुए रथ में बैठे और सब लोग को पार करते हुए भूर भुव मोहजन। यहाँ पर पानी पीने का पानी है, कहते उन्होंने सब लोग को पार करते हुए, जब उन्होंने सब लोगों को पार करते हुए गोलोक वृंदावन चले गए, कहते ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा,
कहते श्री परीक्षित महाराज तक तो किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, केवल उन्होंने कृष्ण कथा ही सुने। और कृष्ण कथा सुनते सुनते सब लोगों को पार करते हुए सीधा गोलोक वृंदावन चले गए। ब्रह्मा जी एक तराजू लिए, एक तराजू स्केल स्केल लिए, कहते स्केल का एक तरफ में ये जगत का जितने सत्कर्म हैं जगत के, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई अरण्य छत्र खोल दे, सब चीज को उन्होंने तराजू का एक तरफ में धर दिया और तराजू का दूसरे तरफ में उन्होंने केवल कृष्ण कथा की महिमा को धरा है, कृष्ण कथा की महिमा को धरा। और जिधर उन्होंने कृष्ण कथा की महिमा को धरे, देखा उसका जो पल्ला भारी पड़ा, उसका पल्ला भारी पड़ा। सिखा दिया कृष्ण कथा को साथ में जगत का कोई भी सत्कर्म को हम कभी बराबर कर ही नहीं सकते, इसलिए जगत में सबसे श्रेष्ठ है जो कृष्ण कथा सुनते हैं। इसलिए नव विद्या जो भक्ति है, नव विद्या भक्ति क्या क्या बोलो, पहला भक्ति कौन सा भक्ति है बोलो, कौन बोले हाथ उठा, नव विद्या भक्ति में सबसे पहला भक्ति कौन सा भक्ति, कौन बोल रहा है, हाँ, इसलिए पहला भक्ति श्रवण भक्ति है। हाँ, जिसको जितना श्रवण, जो जितने अच्छे तरह से श्रवण करता है उसको बाद में फिर कीर्तन आता है, उसको बाद में स्मरण आता है, उसको बाद में पाद सेवन आता है। अगर कृष्ण कथा ही नहीं सुने, पहला भक्ति कथा है, जिसको जितने कथा में रुचि है उसका भक्ति उतना ही भक्ति बढ़ती है, अगर जिसको कथा में ही रुचि नहीं उसका भक्ति जीरो है, उसका भक्ति। इसलिए भागवत में बताए भक्ति की दूसरे दूसरे जो अंग है, जो दूसरे दूसरे जो नौ तरह का भक्ति में दूसरे दूसरे जो हाँ दूसरे दूसरे अंग में तुम्हारी रुचि, लेकिन कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं, कृष्ण कथा सुनने में तुम्हारी रुचि नहीं तो कहते सबके सब जीरो हो जाएगी, सबके सब जीरो हो जाएगी। इसलिए जिसको उदाहरण देते हैं, देख एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, लेकिन एक लड़का लड़की को, लड़की लड़का को प्रेम करता है, देखना उसकी बात होना उसका कान खड़ा हो जाता है, अगर उसकी कोई बात होना उसको कान खड़ा हो जाता है, क्यों, वो उसको प्रेम करता है, वो उसको प्रेम करती है इसलिए खड़ा हो जाती है, हैं। इसलिए अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं उसका लक्षण क्या है, उसकी कथा हमें अच्छी लगती है, अगर उसकी कथा तुम्हें अच्छी नहीं लगती है फिर तुम्हारी भक्ति सब जीरो हो जाएगी। इसलिए नव विद्या भक्ति में पहला भक्ति श्रवण भक्ति है, फिर कीर्तन, फिर पाद सेवन है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण कथा को साथ में जगत में और किसी को हम बराबर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण कथा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भव औषध छत्र मन विरामात, जो कृष्ण कथा है भव सागर से पार होने का सबसे जो मीठी दवा है, कहते भगवान की कथा है, भगवान की कथा है। कहते कथा क्या है बोले दवा, तब तब यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते बोले दवा, आप देखना जो दवा है ना एलोपैथी की दवा कैसे कड़ू ही है, देखना झट मुंह में लेकर पानी लेकर के ना अंदर में सीधा घटका देते हैं, पानी लेकर सीधा सीधा अंदर में घटका देते हैं। कहते भैया कहते आपने बताया संसार का पार होने के लिए दवा, दवा तो बड़ी कड़ी हुई होता है, अक्सर करके दवा कड़ी हुई होती है, क्या कृष्ण कथा कड़ी हुई है, कृष्ण कथा क्या बिटल, बोले नहीं, बोले छोत्र मन भी रामात, कहते जो कृष्ण कथा जो कान और हृदय को ये आनंद देने वाले, कान को भी आनंद देने वाले और हृदय को भी ये आनंद देने वाले हैं। मनोभिरामात कह उत्तम श्लोक, कहते जिसको भगवान की कथा में रुचि नहीं, कहते वो एक हंटर है, वो एक ब्याद है, हैं, जो भगवान की कथा में जिसको रुचि नहीं कहते उनका वो एक ब्याद है। देखो कृष्ण कथा में अगर जिसको जितने कृष्ण कथा में रुचि होगा ना, जैसे यहाँ प्रोग्राम हो रही है, जगह यहाँ जैसे प्रोग्राम हो रही है, आप देखना जिसको कृष्ण कथा में जो आते होंगे, देखना उसके गले में कंठी भी देखोगे, उनकी गले में कंठी भी देखोगे, तिलक भी देखोगे, और देखोगे वो भी हरिनाम करते हुए देखोगे। लेकिन जो लोग हरिनाम लिए हैं
लेकिन कृष्ण कथा नहीं में नहीं आते ना, देखना तिलक तो है ही नहीं, देखोगे गले में धीरे धीरे कंठी भी उतर जाती है और ये माला जहाँ के तहाँ लटकी रह जाती है, वो माला लटकते रह जाती है, वो माला नहीं करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं, रूप गोस्वामी को, जैसे हमने एक पौधा लगाए, अगर उसमें पानी नहीं देंगे वो कब तक जिंदा रहेगा? पौधा खत्म हो जाएगी, वो पौधा खत्म हो जाएगी। इसलिए कृष्ण कथा श्रद्धा नाहले पंड सही श्रम, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं अगर कृष्ण कथा में तुम्हारी रुचि नहीं सब तुम्हारी बेकार हो जाएगी। इसलिए जिसको जितने कृष्ण कथा में रुचि देखना उतना टाइम से हरिनाम कर लेगा, तिलक भी लगा लेगा, भक्ति की अंग भी जाजन कर लेगा, सारे भक्ति देखना सारे भक्ति के अंग को ठीक ठीक से करता है कौन, जो कथा में आते हैं। लेकिन जो लोग माला लिए गुरुदेव से लेकिन कथा में नहीं आ रहे हैं, अब देख उनका स्थिति जाकर देखना, कुछ भी नहीं करते हुए देखोगे, कुछ भी नहीं करते हुए देखोगे। इसलिए पहला जो भक्ति है श्रवण भक्ति है, नव विद्या भक्ति में सबसे भक्ति पहला भक्ति श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। इसलिए पहला भक्ति श्रवण भक्ति, इसलिए पहले हमें ये कथा भगवान की कथा सुननी चाहिए हैं, सबसे पहले कथा में रुचि हो कथा सुनो तो बस और सब भक्ति तुम्हारी बढ़िया चलेगी, सब बढ़िया तुम्हारी भक्ति बढ़िया बढ़िया चलेगी। इसलिए आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है, श्री दयानिधि प्रभु और श्री चंद्रिका दीदी इन्होंने भक्त लोगों को अपना घर में बुलाए और उनके घर में आज भगवान की कथा और कीर्तन हो रहा है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं, हाँ श्री प्रभुपाद कहते हैं जब तक भगवान की कोई विशेष कृपा नहीं हो ना, भगवान की जब तक कोई विशेष कृपा नहीं हो कभी भगवान की कथा भी सुनने को नहीं मिलता है, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाय, जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाय, प्रसाद से दिन हमारी घर में हरि कथा हो हरि कीर्तन हो, कहते ये तुम्हारी घर नहीं तुम्हारी घर गोलोक वृंदावन हो गया। और श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वाणी तीर्थानि बसंती तत्रा यथाच्युतादर कथा प्रसंग, जिस स्थान पर भगवान की कथा हो सर्वाणी तीर्थानि बसंती तत्रा, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में आकर निवास हो जाता है। कहते पृथ्वी में कितना तीर्थ है, इसलिए कहते 6 अरब, 6 अरब पता है, कहते 1 करोड़ 10 मिलियन, और ऐसे 100 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, और ऐसे जब 100 करोड़ हो उसमें 1 अरब होता है, और जब ऐसे 6 अरब समझ लो कितने हैं। इसलिए कहते ऐसे ही 6 अरब पृथ्वी में, बोले जिस स्थान पर भगवान की कथा कीर्तन हो जो भगवान की कथा कीर्तन सुनते हैं कहते वो सबके सब, कहते 6 अरब तीर्थ में बैठ करके सबके सब स्नान करते हैं, हाँ सबके सब स्नान करते हैं। इसलिए आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन, जो हम सबके सब आज एकत्रित होकर के क्या कर रहे हैं, भगवान की कीर्तन भगवान की कथा सुन रहे हैं, कहते भगवान का हमारा ऊपर बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए हम लोग 2 दिन से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के कथा हम सुन रहे थे, आज भी कुछ उनकी कथा सुनेंगे। हाँ देखो जो व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से हरिनाम लिए और गुरु जी का मंत्र लिए, इसका प्रभाव देखो, इनके एक स्टोरी सुनो।
एक स्टोरी सुना, कहते एक समय है प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से किसी व्यक्ति ने हरिनाम लिया, दीक्षा मंत्र लिया, लेकिन कुछ दिन बाद में वो पहले ब्रह्मचारी थे मठ में, लेकिन किसी लड़की की चक्कर में पड़ करके उसने अपना मठवास को त्याग दिया, वो लड़की से शादी कर ली। लेकिन वो लड़की भक्ति नहीं करती थी, लेकिन देखने में सुंदर थी और उसकी सुंदर सुंदर में पागल होकर के उन्हें शादी किया। उसने शादी करके, लेकिन वो बंगाल की थी, वो मछली खाती थी, मांस खाती थी। पहले पहले तो उसने कुछ दिन तो कोशिश की नहीं खाने के लिए, लेकिन घर वाली हैं, अब किसी ने कहा भैया तुम्हारी जीवन कैसे चल रहा है, बोले हमारे जीवन तो भगवान की इच्छा से, ठाकुर जी की इच्छा से चल रहे हैं, ठाकुर जी की इच्छा से। किसी ने कहा भैया तुम्हारी संसार कैसे चल रहे, किसी ने कहा राम जी की इच्छा से मेरे संसार चल रहा है, दूसरे ने कहा हमारे घर में सीता जी की इच्छा से घर चल रही है, किसी ने कहा मेरे घर तो सीता जी की इच्छा से चल रही है। अंडरस्टैंड? हाँ, मतलब जो घर चलती है ना पत्नी की इच्छा से चलती है, पुरुषों की इच्छा से नहीं चलती है। इसलिए कहते मेरे जो तुम्हारी तो राम जी की इच्छा से चलता है और मेरे तो सीता जी की इच्छा से चलती है। इसलिए पत्नी की, इसलिए घर में अगर पत्नी सही हो ना, अगर पत्नी तुम्हारी भक्ति करने वाली हो, देखो ना भक्ति बढ़िया चलेगी। लेकिन अगर पत्नी तुम्हारी गड़बड़ी है, पत्नी भक्ति नहीं करते हैं, अगर पुरुष जितने चाहने पर भी कहते भक्ति को चला नहीं सकता है। अगर पत्नी तुम्हारी भक्ति कर रही है, पत्नी सही तुम्हारी पत्नी है, देखना भजन हो जाएगी, तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। इसलिए उसका पत्नी खाती थी मांस मछली, अभी उसने धीरे 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 बस कोशिश की, लेकिन रख नहीं पाई उसको। बाद में फिर वो व्यक्ति मांस मछली खाना फिर उसने शुरू कर दिया, उसने गुरु मंत्र छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, सब कुछ उसने छोड़ दिया, छोड़ करके पूरा पत्नी की जैसे बन गया। लेकिन जब इसका मृत्यु हुई, जब उसका शरीर छोड़ा मृत्यु हुई, अभी मृत्यु हुई तो उसको सारी कुछ लोग सबके सब परिवार के लोग आ गए और उसको ले जाएंगे क्रेमेटेरियन में, उसको जलाने के लिए ले जाएंगे। जब उसने गया जमलोक में गया हैं, जमलोक में जब उसको जमदूतों ने लेकर जमलोक में गया, जब जम महाराज सिंहासन में बैठे हुए थे, जब उसने दूर से देखा है ना जब महाराज जी, तो उनने चिल्ला उठे, बोले किसको लेकर के आए हो, किसको लेकर के आए, तुमको पता है ये कौन? कहते ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का ये शिष्य है, ये साधारण नहीं, हम इसको दंड नहीं दे सकते, जाओ जल्दी जल्दी वापस ला, वापस भेज करके आओ, हाँ जल्दी इसको वापस भेज करके आओ, अभी लोग तो तैयारी उसको ले जाएंगे जलाने के लिए, शमशान में क्रेमेटेरियम में जलाने के लिए ले जाएंगे। लेकिन वो तो मरा हुआ था, उसने हठात जग गया है, हठात जग करके बोले भैया मेरा माला कहाँ है, बोले मेरी माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है। सब लोग तो आश्चर्य में पड़ गए, सारे परिवार के लोग आ गए, हठात मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। तब सब लोगों ने पूछा भैया क्या बात है, तू तो मर गया था जिंदा कैसे हुआ? बोले मेरे को ये जमदूत लेकर गए थे जम महाराज को पास में, जब जम महाराज मेरे को देखा, देख करके चिल्लाते हुए बोला, बोले इसको मैं दंड नहीं दे सकता हूँ, क्यों? ये इसलिए सरस्वती ठाकुर का शिष्य है, सरस्वती ठाकुर जी का ये शिष्य है, उसको वापस दे करके आओ। इसलिए मेरे को फिर वहीं से वापस भेज करके गए हमें। फिर उन्होंने बोले, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने हमें जो भक्ति दी तो माधव गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद का आश्रित है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के ये आश्रित भक्ति दी तो माधव गोस्वामी महाराज। इसलिए उन्होंने फिर उनको स्वप्न आदेश किया, इसको दो बार हरिनाम दो हैं, और उसको दीक्षा मंत्र फिर दो बार दो, क्योंकि बड़े दिन से उसने दीक्षा मंत्र करना छोड़ दिया और मांस मछली खा रहा था हैं, इसलिए हरिनाम छोड़ दिया था। फिर उन्होंने चैतन्य गौड़ीय मठ में फिर दोबारा आकर रुके, रुक करके फिर उन्होंने हरिनाम शुरू किया। उन्होंने देखा मैं सदगुरु से हरिनाम लिया था, इसलिए मेरे को
नरक से वापस जब महाराज भेज दिए भजन करने के लिए, इसलिए उन्होंने दो बार भजन करते हुए मंदिर में रहे, फिर उन्होंने कुछ दिन बाद में फिर शरीर छोड़ा। इसका तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति सरस्वती ठाकुर जी से हरिनाम मंत्र लिए हैं, अगर वो नरक में भी चले जाए ना, जब महाराज उनको नरक से भी वापस भेज देते हैं, मरते जगत में उसको वापस भेज देते, जाओ उसको छोड़ करके आओ। इतने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की इतने महिमा है, इसलिए श्री सरस्वती ठाकुर ने बताया, देखो जो व्यक्ति मेरे शरण में आ गए, जो व्यक्ति मेरे शरण में एक बार आ गए, मेरे शरण में जो मेरे से हरिनाम दीक्षा लिए हैं, बोले जब तक इनको मैं गोलोक वृंदावन में नहीं पहुंचा देता हूं, उनके लिए अगर मेरे को हजार बार आना पड़े जगत में, उनके लिए मैं हजार बार आऊंगा, और हजार बार मैं आऊंगा आ करके, जब तक मैं उनको गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचा देता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि इनका जो शिष्य बनते हैं ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसलिए जो सदगुरु का जो चरणा आश्रय हैं, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में सदगुरु की और शुद्ध लाइन की, इसको शुद्ध लाइन में आते हैं। इसलिए आप लोग भी बड़े सौभाग्यवान हो। आप लोग प्रभुपाद का क्या लगते जानते हो? आप देखना, प्रभुपाद का बेटा कौन है? कहते श्री भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज। कहते उनका शिष्य, उनका भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज भी उनसे हरिनाम लिए हैं, हैं हरिनाम लिए हैं। और उनका शिष्य कौन है? जैसे हमारे माधव महाराज, बन महाराज, सिद्धांति महाराज, उनका शिष्य है। और उनका शिष्य कौन है? आप लोग हो। इसलिए आप लोग क्या लगते हो? देखना, पिताजी अपना बेटे को जितने प्यार करता है ना, लेकिन ये बेटे का बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं। आप देखे होंगे जो दादा दादी होते हैं ना, दिन भर नाती पोती को गोद में लेकर घूमते हैं। हाँ, देखना, दादा दादी नाती पोतियों को दिन भर लेकर गोद में घूमते हैं। इसलिए बेटे प्रति जितना प्यार है, बेटे का प्रति ज्यादा प्यार, दिन भर गोद में लेकर घूमते हैं। इसलिए आप लोग किसके बच्चे हैं? प्रभुपाद का बच्चे के बच्चे आप लोग हो। बच्चे का बच्चे का बच्चे परपोता तुम लोग हो। इसलिए प्रभुपाद का सबको ऊपर में प्रभुपाद का आशीर्वाद है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करते रहो, भजन करते रहो, और कभी गुरु वैष्णव को छोड़ना नहीं। क्या नहीं करना? कभी गुरु वैष्णव को भी छोड़ना नहीं। किसी तरह से एक जीवन जीवन प्रभुपाद के, किसी तरह से एक जीवन जो तिलक कर रहे हो, हरिनाम करते हो, जो भक्ति की अंग जाजन करते हो, किसी तरह से एक जीवन ऐसे बिताओ। बिताओगे तो हमारे भक्ति पुष्ट होगी। भक्ति पुष्ट होगी तो फिर भक्ति में धीरे 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 हमारी भक्ति में रुचि होगा, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, एक बार बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की और एक कथा सुन लो, ये सारी कथा को याद रखना, मैं जब अगली बार आऊंगा सबको पूछूंगा। एवरीबडी रिमेंबरिंग दिस ऑल पास्ट टाइम, व्हेन आई लुक एट नेक्स्ट टाइम देन आई कैन एक्सेप्ट एवरीबडी, ओके? आई कैन सॉ हु इज द रिमेंबरिंग दिस ऑल पास्ट टाइम। हाँ, प्रभुपाद और एक कथा सुना। कहते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर के हैं पांच संतान थे, हैं पांच कुछ संतान थे। एक उनका संतान में एक बच्चा बड़ा बीमारी पड़ा, वो बड़ा बीमारी उसने पड़ा। जब बड़ा बीमारी पड़ा, अभी प्रभुपाद उनको सेवा कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जो बच्चे थे बिमल प्रसाद, उनको सेवा कर रहे थे। सेवा करते 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 जब उनकी अंतिम समय आया, शरीर छोड़ने का समय आया, तो उसने कहा, देखो मैं पहले जन्म में
रामानुज संप्रदाय में मैं साधु था। रामानुज संप्रदाय में कोई एक बहुत बड़े साधु था जो महंत था, गुरु था, है बहुत बड़े साधु था वो। लेकिन जब उन्होंने अप्रकट हुए, अप्रकट होने पर हैं वो उनको बैकुंठ विजय कर रहे थे, बैकुंठ विजय कर रहे थे, भगवान के धाम में जा रहे थे। जब धाम में जा रहे थे इतने में बीच में उनको रोक दिए, बैकुंठ जाते जाते उनको बीच में रोक दिए। बोले क्यों रोक दिए? बोले इन्होंने वैष्णव अपराध किया है। कहते इन्होंने वैष्णव अपराध किया है, इसलिए उनको बीच में रोक दिया गया। बोले भैया किस कौन सा वैष्णव चरण में अपराध किया? क्योंकि वो कभी एक आचार्य थे, आचार्य होने का नाते कभी कभी होता है ना, जैसे हम लोग राधा कृष्ण को उपासना करते हैं महाप्रभु का, कोई सीताराम की उपासना करते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण को उपासना करते हैं, अलग अलग इष्ट है। इसलिए कभी कभी आचार्य गुरु होने का नाते कभी कभी क्या होता है, अपना भक्ति को श्रेष्ठ रूप में स्थापन करने के लिए कभी कभी हम बोल देते हैं नहीं उनसे हमारी संप्रदाय श्रेष्ठ है, हाँ उनसे हमारी संप्रदाय श्रेष्ठ है। ऐसे करते करते उन्होंने कभी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को, कभी उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को बार में उन्होंने कभी उन्होंने कुछ ऐसे अपराध कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोला है। उल्टा पुल्टा बोला तो बोले ये बैकुंठ विजय नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको वैष्णव चरण में अपराध हुई, इसलिए बोले क्या करना पड़ेगा? बोले उनको मर्त्य जगत में जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने देखे अभी हमारी केस क्या केस होगा, अभी हमारी क्या होगा, इसलिए उन्होंने देखा अभी उसने मर्त्य जगत में अभी श्री भक्ति विनोद ठाकुर है, तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को आश्रय करते हुए उनके बेटे रूप में उन्होंने जन्म लिया, उनको बेटे रूप में जन्म लिया। बेटे रूप में जन्म लेकर के फिर उन्होंने हैं लास्ट में बोले मैंने अपराध भक्ति विनोद ठाकुर का चरण में किया और इसलिए मैंने फिर इसी मर्त्य जगत में जन्म ग्रहण किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को और प्रभुपाद को बोले देखो, उनका नाम था विमला प्रसाद, प्रभुपाद जब सेवा कर रहे थे बोले तू एक दिन ये गौड़ीय संप्रदाय के एक बहुत बड़े तुम आचार्य बनोगे। उन्होंने सरस्वती ठाकुर को बोले एक बहुत बड़े तुम साधु बनने वाले हो, हैं इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को बोले मेरे अपराध को माफ कर दो, फिर मैं मेरा उद्धार हो जाएगा। वैष्णव लोग बड़े दयालु होते हैं, वैष्णव बड़े कृपालु होते हैं, हैं बोले ठीक है हम तुम्हारी अपराध को माफ कर देते हैं। बोले आपका अपराध माफ हो गया, प्रमाण कैसे है? तो उसने कहा मैं जब शरीर छोड़ूंगा, जब मैं शरीर छोड़ूंगा मेरे शरीर में जो रामानुजु संप्रदाय का जो तिलक है अपने आप मेरे ललाट में ये तिलक दिखाई पड़ेगा, अपने आप तिलक दिखेगा, तो उससे पता चल जाएगा तुम्हारी सारे अपराध तुम्हारी मुक्त हो गया है, सारे अपराध से मुक्त हो गया। सचमुच से जब शरीर छोड़े उनको द्वादश अंग में तिलक, द्वादश अंग अपने आप तिलक प्रस्फुटित होने लग गया और उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए उन्होंने इसी मर्त्य जगत से चले गए। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं जो वैष्णव जो अपराध है ना ये बड़े खतरा है, भक्ति जगत में वैष्णव अपराध ये बहुत खतरा, इसलिए 10 तरह का नामापराध बताया, हाँ 10 तरह का नामापराध है। लेकिन भक्ति जगत में क्या होता है, भक्ति जगत में कभी कभी सबसे पहले वैष्णव अपराध दिया, हाँ उसने गुरु निंदा नहीं बताया, पहले वैष्णव अपराध किया। बोले कारण किया? बोले गुरु जी का प्रति गौरव बुद्धि रहता है, गुरु जी हमारे गुरुदेव है, लेकिन कभी कभी जो वैष्णव लोग है ना, अरे किए कौन जानती है, बेकार है ये सब, हाँ इसलिए कभी कभी वैष्णव लोगों को हम अनादर कर देते हैं, इसलिए। लेकिन जो गुरु और जो वैष्णव एक ही है, गुरु वैष्णव कोई अलग है ही नहीं। जैसे मेरे गुरुदेव कौन है, भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव है, हैं भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, जैसे जैसे सिद्ध हमारे जैसे श्री बन महाराज का कहते गुरुदेव कौन, बोले भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज। अभी बामन गोस्वामी महाराज किसके गुरुदेव, कहते श्री भक्ति श्री बन महाराज का। मेरे गुरुदेव कौन, भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज। मेरे लिए मेरे गुरुदेव मेरे लिए गुरुदेव है। तब हमारे श्री
बन महाराज के लिए कौन है? मेरे गुरुदेव वैष्णव, मेरे गुरुदेव वैष्णव हैं। और बन महाराज के लिए उनका गुरुदेव गुरुदेव, लेकिन हमारी गुरुदेव उनका के लिए कौन? वैष्णव। इसलिए कहते उसी तरह जो वैष्णव वैष्णव, तब क्या मेरे गुरुदेव गुरुदेव नहीं? उनका गुरुदेव केवल गुरुदेव है? नहीं, उनका गुरुदेव भी गुरुदेव उनके लिए, मेरे गुरुदेव भी मेरे लिए गुरुदेव है। इसलिए कभी कभी वैष्णव चरण में हमारी अपराध हो जाती है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं श्री रूप गोस्वामी, कहते हैं देखो कभी भी वैष्णव का निंदा सुनो मत, कभी कभी वैष्णव का निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। जो सुनना और वैष्णव निंदा करना ये बराबर है, हैं? सुननी भी नहीं चाहिए और बोलने भी नहीं चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हैं अपना जीवन में शिक्षा दिया। जब महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे थे, सबको बुला बुला कर प्रेम दे रहे थे, लेकिन उनकी जो माँ थी सच्ची माँ, वो गेट को बाहर में खड़ी हुई हाथ जोड़ करके, शायद महाप्रभु मेरे को भी प्रेम देंगे, लेकिन महाप्रभु अपना माँ को बुलाया नहीं। इतने में श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु आप तो सबको प्रेम दे रहे हो, आपका मैया भी गेट को बाहर में खड़ी हुई है, उनको भी आप प्रेम दो। महाप्रभु बोले मैं उसे प्रेम नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते हो? बोले उन्होंने वैष्णव अपराध किया है। बोले वैष्णव अपराध? बोले कौन सा, कौन किसकी चरण में? बोले श्री अद्वैत आचार्य चरण में उन्होंने अपराध किया। बोले उन्होंने कब किया था? जब श्री महाप्रभु का जो बड़े भाई थे विश्वरूप, जब उन्होंने संन्यास लेकर चले गए, लेकिन पढ़ते थे कहाँ पर? बोले अद्वैत आचार्य का विद्यालय में, स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य इतने अच्छी ज्ञान बताई, इतने अच्छी अच्छी ज्ञान बताई, उनने सुन सुन करके संसार को अनित्य मान करके, नश्वर मान करके, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके उन्होंने सन्यासी बन गए। जब सन्यासी बन गए, इतने में सच्ची मैया तो दुखी हो गई। सच्ची मैया बोली, कौन इसको अद्वैत कहता है? अद्वैत मतलब क्या? अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, जो दो नहीं एक, इसलिए अद्वैत, जो दो नहीं एक, मतलब सबको जो इकट्ठा करके रखते हैं, सबको जो इकट्ठे रखते हैं। लेकिन उसने मेरे बच्चे को ऐसे पाठ पढ़ाया और मेरा बेटा ही साधु बन गया, सन्यासी बना दिया, हैं? और हमारे भारतीय जो संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति, हर पिता माता ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं? मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा, जब हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे, जब हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे क्या होगा? वहाँ तो ओल्ड हाउस है नहीं, वहाँ तो ओल्ड हाउस है नहीं। बच्चे पिता माता की जीवन को, बच्चे जब पिता माता को बच्चे देखते हैं, हर पिता माता इसी आस को लेकर के बच्चे जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं। लेकिन जब सन्यासी बन गए, बड़ी दुखी होकर बोल दिया, कौन इसको अद्वैत कहता है? तो द्वैत है, ये हमारे संसार को अलग कर दिया, संसार को उसने अलग कर दिया। उन्होंने केवल इतनी सी बात बता दिया ना, महाप्रभु बोले हम उसको प्रेम नहीं दे सकते हैं, उन्होंने अपराध किया। बोले अपराध माफ कैसे होगा? बोले उनकी चरण में माफी मांगना पड़ेगा। फिर स्वयं श्री हैं कौन? सची माँ। सची माँ कौन है? मैया जसोदा, कृष्ण की माँ है, भगवान की माँ है। उसने क्या की? उनको जा करके अद्वैत का चरण में माफी मांगना पड़ा। हाँ, जब उनके चरण में माफी मांगे, तब फिर जा करके महाप्रभु उनको प्रेम दिया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हमारी किसी वैष्णव का चरण में अपराध हो जाए, अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो जाए, क्या करनी चाहिए? जा करके हमें माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं सोचनी चाहिए, नहीं हम इतने बड़े, हम कैसे किसकी चरण में माफी कैसे मांग सकते हैं, ये नहीं सोचनी चाहिए। हम तो इतने बड़े, सच्ची माँ से कोई बड़ी हो सकती है? जो भगवान की माँ है, ठाकुर जी की माँ है, हो करके अद्वैत आचार्य कौन है? बेटा है। लेकिन माँ हो करके बेटे को चरण में माफी मांगी है? शिक्षा देते हैं, तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो, अगर कहीं अपराध हो गया तो जा करके माफी मांग लो, माफी मांग दो, बस अपराध क्षमा हो जाएगा। फिर तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन में है, कहते भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन में ये एक आदर्श है, हाँ ये उन्होंने के आदर्श दिखाया। और इसलिए प्रभुपाद का जीवन में ये एक आदर्श दिखाया। कहते जब प्रभुपाद प्रचार के लिए जाते थे सरस्वती ठाकुर हैं, कभी कभी ही कार में हैं, पहले कार इतना आसानी नहीं था, अभी तो कार ही कार है, लेकिन उसी समय पर जो घोड़े के ऊपर चलते थे ना, बोले बाबा अरे घोड़े के ऊपर चल रहा है, बहुत बड़ी बात है जो घोड़े के ऊपर में। और जो कार जो बाइक में चलता, जो मैं जब छोटा बच्चा था ना, जब हमारे गांव में छोटा बच्चा था, अगर कोई साइकिल में चलता था ना, बोले भाई भैया साइकिल आप लोग, तुम लोग सूरीनाम के हो, देखना पहले जो गांव में, हम भी गांव के, इसलिए सूरीनाम में कौन कौन रहे, सूरीनाम में रहे कौन कौन, अब देखना साइकिल कभी चले हो, इसलिए पहले कोई साइकिल चलता है ना, बोले साइकिल में चलता है, वाह बहुत बड़ी बात। और जो बाइक में चले, बाबा रे ये तो बड़े पैसा वाला बाइक में। अगर कोई कार में चले ना, कार में साधारण लोग नहीं, राजा महाराज लोग चलते थे कार में, हैं कार इतने आसानी था नहीं, इसलिए। लेकिन सरस्वती ठाकुर जब प्रचार के लिए जाते थे ना, हाँ कार में प्रभुपाद का कार था, वो कार में और प्रभुपाद एकदम सूट बूट कोट पहन करके बढ़िया टिप टप हो करके हैं, उन्होंने कॉलेज में जाते थे, प्रचार करते थे, वहाँ प्रचार करने के लिए जाते थे। किसने सरस्वती ठाकुर जी को पूछा, आप तो साधु हो, ये साधु साधारण लोगों का धारणा क्या, साधु जटाजुट होगा हैं, कंबल पहने होकर किसी पेड़ के नीचे बैठे रह रहेंगे, शरीर में राख मला हुआ होगा हैं, शरीर में राख मले हुए होंगे, ये पेड़ के नीचे बैठेगा जटाजुट लेकर के, और ये बढ़िया कपड़े और कार में बैठी करके ये प्रचार के लिए जाते हैं। किसी ने पूछा, ये साधु होकर किसी को क्या कर रहे हो, तुम कार में घूमते हो, हाँ ये तो राजा महाराज घूमते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया, देखो कहते ये कार की बात तुम क्या कर रहे हो, मैं तो चाहता हूँ मेरे पास में इतने हरी कथा, इतने हरी कथा मेरे पास में, अगर मेरे को 10-20 अगर एरोप्लेन दे दिया जाए, कहते थे मैं गोलोक वृंदावन से इतने हरी कथा में लेकर के आया हूँ, मैं महाप्रभु का के पियन हूँ, मैं गोलोक वृंदावन से मैंने इतने हरी कथा लेकर के आया हूँ, अगर मेरे को 10-20 अगर एरोप्लेन दे दिया जाए ना, मेरे को थोड़ा आदर दोगे, थोड़ा आधा है जिंजर अदरक है थोड़ी सी दे दोगे, इसलिए प्रभुपाद बोले मेरे को 10-20 एरोप्लेन अगर दे दिया जाए ना, मेरे पास में इतने हरी कथा, मैं तो ये हरी कथा को पूरा विश्व ब्रह्मांड में, कहते विश्व ब्रह्मांड में मैं प्रचार करना चाहता हूँ ये हरि कथा को, आप ये कार की बात क्या बोलते हो हैं। इसलिए प्रभुपाद को किसने बोले हैं, प्रभुपाद कभी एग्जीबिशन देखा, एग्जीबिशन में कैसे, जैसे प्रहलाद महाराज को उसको पिताजी आग में डाल दिया, और प्रहलाद महाराज किस आग को बीच में बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको देख करके बोले इतना इलेक्ट्रिसिटी क्यों बर्बाद कर रहे हो हा? इतने इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद कर रहे हो, ये और किसी काम में लगता तो कल्याण होता। प्रभुपाद ने कहा ये पृथ्वी का जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी है, जब सबके सब इसी काम में लगेगा हा? ठाकुर को सेवा में लग जाएगा, तभी सभी के कल्याण है हैं, जगत का सारे इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए प्रभुपाद से पहले जो व्यक्ति आए हैं वो लोग सब बोलते थे त्याग दो, सब छोड़ो सारी चीज को छोड़ो, लेकिन जब प्रभुपाद आए ना, बोले किसी चीज को छोड़ना नहीं,
इसलिए प्रभुपाद बोले हर चीज को जोड़ो, इधर आ जा, कहते हर चीज को क्या करो, हर चीज को भक्ति में जोड़ दो, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, इन्होंने इसको पहले जैसे गोस्वामी लोग है ना, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और जो गोस्वामी लोग हो वो किसी किसी पेड़ को नीचे बैठ करके एकांत में भजन किया, किसी पेड़ को नीचे बैठ करके अपना जीवन कटाया। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, नहीं, उन्होंने बड़े 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 मंदिर बनाया, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनाया, मंदिर बना करके बोले नहीं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक कौन है, बोले कृष्ण है, सारे विषय का भोक्ता भगवान के बोले कृष्ण ही, सारे वस्तु का मालिक कृष्ण है, लेकिन कृष्ण संपत्ति की लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी भगवान की है, मूल लक्ष्मी राधा रानी, राधा रानी किसकी है, बोले कृष्ण की है। ये लक्ष्मी जब कृष्ण सेवा में लगेगी तभी वो लक्ष्मी की सार्थकता है। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ा बड़ा मंदिर बनाया, 64 मंदिर उन्होंने बनाया। किसने प्रभुपाद को बोले, आप तो साधु हो, आपको तो पेड़ को नीचे बैठ करके भजन करनी चाहिए, पेड़ को नीचे आप इतने सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बनाया, हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाए प्रभुपाद ने, और बड़े सुंदर चेयर गालीचा बिछा कर रखते थे, हाँ गालीचा बिछा कर रखते थे, बड़े सुंदर चेयर हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये मंदिर मेरे लिए नहीं, ये मंदिर तुम लोगों के लिए, ये मेरे लिए नहीं, मैं किसी पेड़ को नीचे बैठ कर भजन कर लूंगा, मेरे लिए दिक्कत नहीं, ये तुम्हारी तुम जैसे बाबू लोगों के लिए हैं, तुम लोग जैसे बाबू लोगों के लिए, अगर मैं पेड़ को नीचे बैठ करके भजन करता तुम लोग मेरे पास में आते क्या, तुम लोग मेरे पास में आते, कोई भी एक नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आते। इसलिए तुम लोग मेरे पास में आए हो, तुम्हारे लिए इतना सुंदर मंदिर बनवाया, गलीचा बिछवाया, हाँ इतने सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की, तभी तुम लोग मेरे पास में आ रहे हो, ये मेरे लिए नहीं, ये सब के सब तुम लोगों के लिए हैं, इसलिए तुम लोगों के लिए। इसलिए कहते जो प्रभुपाद है ना, अगर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं आते हम लोग कभी भजन नहीं करते। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे पुरी सर कीट है ते मुही से लगिष्ट, जगाई माधाई है ते मुही से पापिष्ट, मोर नाम लय जय तार पाप है, मोर नाम सुने जय तार पुण्य कहे। कहते थे हमारे गुरुजी, कहते मैं कैसे हूँ, पुरी से मतलब होता है जो टाटी के जो बिष्टा है, हाँ उसका जो बिष्टा है उससे भी मैं ज्यादा गिरा हुआ हूँ, हाँ उससे भी मैं गिरा हुआ हूँ उससे भी, और जगाई माधाई है ते मुँह से पापिष्ट। कहते जगाई माधाई इतने पापी थे जगाई माधाई, चित्रगुप्त लिखते लिखते हाथ थक गया, पूरा घर भर गया, कापी में भर गया घर, सोच रहे थे इतना पाप कैसे भोग करेंगे। कहते जगाई माधाई से भी मैं बहुत पापी हूँ। कहते मोर नाम लय जय, अगर मेरा कोई नाम ले ना उसको वो सारे पुण्य खत्म हो जाएगी, सारे पुण्य खत्म हो जाएगी, और मेरे नाम सुने जाई कहते उसका सारे पुण्य खत्म, उसका पाप लगेगी, हैं पाप लगेगी और सारे पुण्य खत्म हो जाएगी। ऐसे जो मैं निकृष्ट व्यक्ति हूँ, इतने जो गिरा हुआ व्यक्ति, इतने गिरे हुए व्यक्ति को कौन उद्धार कर सकते हैं, बोले एक प्रभुपाद बिना जगत माझारे, एक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को छोड़ करके ऐसे पतित जीव को ऊपर में अगर कोई करना करने वाले और कोई नहीं, करने वाले श्री प्रभुपाद है, हैं। इसलिए अगर वो नहीं होते बस सारा दुनिया ध्वंस हो जाता, सारा दुनिया ध्वंस हो जाता। ऐसे दयालु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, कहते श्री प्रभुपाद की। इसलिए कहते प्रभुपाद ने, हाँ इन्होंने, इनके एक आश्चर्य घटना इनका जीवन में घटा, जानते हो क्या यार, बोले जिस समय सरस्वती ठाकुर शरीर छोड़े, उनने रात को उनने शरीर छोड़े, जिस समय उनने शरीर छोड़े जितने घड़ी था ना, वो बाग बाजार गौड़िया मठ में कलकत्ता में उन्होंने शरीर छोड़े, जब शरीर छोड़े वहां पर जितने घड़ी थी
पहले तो ऐसे घड़ी नहीं होता था, पहले तो इलेक्ट्रिक, पहले से घूमने वाला घड़ी होता था, हाँ, जो घूमता था, चाबी देते थे। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़े, जितने घड़ी थी एक साथ में, सबके सब घड़ी एक साथ में बंद हो गया, सारे घड़ी बंद हो गया था। सब लोग घड़ी देखे तो सारे घड़ी बंद है। फिर सबको पता चला इसी समय प्रभुपाद शरीर छोड़े हैं, इसलिए सबके सब घड़ी उस समय में बंद हो गया। ऐसे इनकी जीवन में अद्भुत अद्भुत घटना। एक बार प्रभुपाद किसी तीर्थ में घूमने के लिए गए थे, तीर्थ घूमने के लिए गए थे। जब तीर्थ घूमने के लिए गए, जैसे सीढ़ी होता है ना, अलग अलग सीढ़ी धाप होता है, स्टेप होता है, चार पांच सीढ़ी ऊपर में प्रभुपाद खड़े हुए थे, हैं? खड़े हुए थे। इतने में क्या हुआ, वो पानी अपने आप उफनना शुरू हो गया, वो पानी अपने आप उफनना शुरू हो गया, और उफनते 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 आए और प्रभुपाद का चरण को धो दिया, और धीरे 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 पानी फिर धीरे धीरे नीचे चला गया। जो शिष्य लोग थे ना, देख करके आश्चर्य में पड़ गए, बोले ऐसे क्यों हुआ। इसलिए भागवत कहता है, भगवत दिधा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तोस्तेन गतावृतम्। इसलिए भागवत कहता है, कहते जो साधु है ये स्वयं तीर्थ स्वरूप है, चलता फिरता जैसे तीर्थ है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु, ये सब के सब क्या होता है, ये एक जगह पर, ये सारे तीर्थ एक जगह पर रुके हुए। लेकिन ये साधु क्या है, कहते ये साधु चलता फिरते हुए साधु है। ये साधु क्या है, बोले चलता फिरता हुआ तीर्थ है, हाँ, चलता फिरता हुआ तीर्थ है। कहते ये कहते संतों का हृदय में भगवान का निवास है, ठाकुर जी का निवास है। बोले सारे तीर्थ कहाँ से निकला, बोले संतों के चरण से, भगवान के चरण से गंगा निकली, गंगा निकली भगवान के चरण से। और भगवान कहाँ पर रहते हैं, बोले भक्तों का हृदय में भगवान रहते हैं, इसलिए वो जहां जाते हैं तीर्थ बना देते हैं। फिर प्रश्न होता है, फिर ये साधु लोग फिर तीर्थ में क्यों स्नान करते हैं, ये साधु लोग फिर तीर्थ में क्यों स्नान करते हैं। बोले कारण यही है, जो पापी लोग जो जाते हैं तीर्थ में, पापी लोग स्नान करते हैं, स्नान करने पर सारे पाप वहीं छोड़कर आ जाते हैं। अब ये तीर्थ कैसे पवित्र होगा, कहते ये तीर्थ की कैसे पवित्रता होगी। बोले तीर्थ तभी पवित्र होती है जब कोई शुद्ध संत है, शुद्ध साधु, जब उसका जब चरण स्पर्श हो जाए, साधु जब वो तीर्थ में स्नान करता है, उसका सारे पाप ये साधु ग्रहण कर लेता है, सारे को सारे पाप को ये साधु ग्रहण कर लेता है। अगर तीर्थों को कोई पवित्र करने वाले हैं, कौन है, ये साधु। इसलिए प्रभुपाद का जीवन में ये सब घटना प्रभुपाद का जीवन में घटी। कहते प्रभुपाद ने प्रभुपाद पहले तो प्रभुपाद ने साल में प्रभुपाद साल में एक बार उन्होंने साल में एक बार उन्होंने एक पत्रिका निकाला करते थे, साल में एक पत्रिका। लेकिन प्रभुपाद ने देखा ये दुनिया के लिए ये काफ़ी नहीं है, साल में एक पत्रिका निकलेगा। फिर उनने 6 महीना बाद में एक पत्रिका को 6 महीना बाद में निकाले, देखा ये भी लेट है। फिर उन्होंने मासिक की पत्रिका निकाले, महीना में एक पत्रिका, बोले ये भी कल्याण के लिए कमी है। फिर उन्होंने 15 दिन में एक बार निकले, फिर उन्होंने सप्ताह में एक बार निकाले, फिर उन्होंने दैनिक दैनिक जैसे न्यूज पेपर होता है ना, न्यूज पेपर जैसे सवेरे सवेरे होते ही क्या होता है, सबके सब न्यूज पेपर पढ़ते हैं, हाँ। पहले तो टीवी वी फोन फोन कुछ था नहीं, हाँ, न्यूज पेपर, इसलिए बस सवेरे उठते, मतलब प्रभुपाद ने क्या किया, उन्होंने सवेरे उठते ही बस जैसे न्यूज पेपर पढ़ते, न्यूज पेपर नहीं, भगवान की कथा पढ़ो। घर घर में उन्होंने मतलब जीव के कल्याण के लिए प्रभुपाद ने ऐसे उन्होंने चेष्टा की, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का मंगल कैसे हो, उन्होंने पूरा अपना जीवन उन्होंने दे दिया इसके लिए। इसलिए किस समय श्री प्रभुपाद को, जैसे बड़े बड़े धर्म सभा होता है ना, कभी बड़े बड़े साधुओं को बुलाया गया था, बड़े बड़े साधु लोग आए थे प्रचार करने के लिए, बड़े बड़े साधु लोग, हाँ। लेकिन उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी वहाँ पर बुलाया था, हाँ, वो भी आए थे। लेकिन जब वो आए, सबको एक एक दिन देते हैं तुम्हारी रोज रोज, हाँ, जैसे 7 दिन तक कथा होगी, आपका 1 घंटा, आपकी आधा घंटा, ऐसे समय है।
लेकिन वो जो एक राजा ने बुलाया था सत्संग राजा ने, लेकिन सरस्वती ठाकुर भी गए थे, लेकिन जब श्री सरस्वती ठाकुर का समय आया बोलने के लिए, इनको बोलने के लिए जब समय आया, लेकिन इनको ज़्यादा समय नहीं दिया उन्होंने बोलने के लिए। बोले क्यों नहीं दिया? बोले कारण है क्या? बोले कारण है जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, ऐसे प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद की वाणी, दुनिया में जितने प्रचार करने वाले थे ना, उल्टा पुल्टा जो लोग थे प्रभुपाद की कथा से, सबके सब कांप उठे, सबके सब डर गए, सबके सब प्रभुपाद की शुद्ध वाणी सुन करके। क्योंकि जैसे भागवत में हम सुनते हैं ना, दूतम पानम स्त्रियम सोना यथा अधर्म चतुर्विधा, इसलिए भागवत में परीक्षित महाराज ने कली को, उनने चार जगह पर कली को उन्होंने स्थान दिया है। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए, दूसरा नंबर है किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, नस्ली वस्तु में पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा गुटखा यहाँ तक भी चाय, किसी संप्रदाय में नहीं ये सब चीजें हैं हमारे भारत में, वहाँ पर अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन भैया सारे संप्रदाय के लोग चाय पीते हैं सबके सब, लेकिन केवल एक गौड़ीय संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय में कुछ बाबा जी लोग हैं वो भी चाय पीते हैं गुटखा खाते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे जो गौड़ीय वैष्णव है, जो हमारे गौड़ीय मठ जो इसको, उन्होंने चाय तक भी उन्होंने अलाव नहीं किया, चाय कफी तक भी उन्होंने अलाव नहीं किया। हम पहले सुन रहे थे ना किसने प्रभुपाद को, बोले प्रभुपाद अगर दो चीज को अगर आप छूट दे दोगे, पृथ्वी का जितने सारे संप्रदाय आपकी संप्रदाय मिल जाएगा। बोले दो चीज किया, बोले कि चाय को और के बीड़ी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट और चाय, ये दो चीज को केवल आप छूट दे दो, बोले ये अलाव कर दो, सारे संप्रदाय का लोग आपकी संप्रदाय में आ जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं, हमें एक चंद्रमा की जरूरत है, जो एक चंद्रमा सारा दुनिया को आलोक कर देता है, लेकिन हजार तारे दुनिया को अलग नहीं कर पाते। बोले ऐसे, इसलिए जिस समय श्री प्रभुपाद ने सारे संप्रदाय का लोग उनको डरे हुए थे, सबके सब संप्रदाय डरे हुए थे, इसलिए जब इनकी बारी आई ना बोलने के लिए, लेकिन जो संचालन कर रहा था जानबूझ कर समय नहीं दिया। क्यों? बोले अगर इनको बोलने के लिए दिया ना, यहाँ पर जितने साधु बैठे सबको काट कूट करके ना, इनकी सारे विचार को काट कूट करके, इनका तो नाम, इसका नाक कान कटवा देगा, उनको डुबा देगा इनको। इसलिए बोले आपको केवल पांच मिनट, केवल पांच मिनट बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद जब खड़े हुए, बोले ठीक है, तो उन्होंने एक जो श्लोक, जो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। प्रभुपाद ये जो दो लाइन बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, कैसे जीवन में सदगुरु की प्राप्ति कब होता है, जीव कितने ब्रह्मांड 14 ब्रह्मांड 84 लख्य जोनि भ्रमण करने के बाद किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में सदगुरु, केवल इतना बोलने जा रहे थे, वो जो संचालक कर रहा था ना, बोले थामोन थामोन, मतलब बंद करो बंद करो बंद करो, प्रभुपाद को बोलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। तो प्रभुपाद वहां पर 7 दिन तक रुके थे, लेकिन केवल एक तुलसी पत्ता खा करके, उन्होंने केवल एक तुलसी लीफ केवल खा करके 7 दिन तक वहां पर थे। वहां की जो लाते थे उनको भोजन करने के लिए, जो लाते थे दाल चावल सब्जी, वो कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं लिया। और उनका जो सेवा कर रहा था ना, जो उनकी सेवा के लिए जिनको नियुक्त किया था, बोले प्रभुपाद आप तो 7 दिन में केवल एक तुलसी पत्ता खाए हो, आप ग्रहण क्यों नहीं किया? देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले जब जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था, क्यों जीवों को महाप्रभु का वाणी जीवों को पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, महाप्रभु का वाणी, जब मैंने जो काम के लिए आया था जो काम नहीं कर पाए, तो फिर इनका वस्तु में ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? इनका वस्तु ग्रहण करने का हमारी अधिकार नहीं, इसलिए जब हम कुछ दिए नहीं हम कैसे ले सकते हैं? इसलिए हमने देखता था जो प्रभुपाद का जो भक्त लोग होते थे ना, प्रभुपाद का जो भक्त जब कहीं किसी घर में जाते थे, जब तक कीर्तन कथा नहीं करते थे उनका कोई चीज नहीं खाते थे घर का, क्योंकि नहीं तो हम उनका ऋणी बन जाएंगे। जब हम कुछ देंगे तभी तो उनसे कुछ ले सकते हैं ना।
जब हमको कीर्तन नहीं कर थक कर पाए, उनको कुछ दिया ही नहीं, उनसे हम कैसे ले सकते हैं? इसलिए प्रभुपाद ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए 7 दिन के बोले के तुलसी पत्ता खा करके प्रभुपाद पूरा अपने अपना पूरा उसने 7 दिन तक अपना जीवन को बिताया। ऐसे प्रभुपाद का जो विचारधारा बड़े उन्होंने कठोर रूपक उन्होंने उनको विचारधारा किया है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते प्रभुपाद ने, अभी भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे हैं, जब प्रभुपाद बच्चे थे अभी सोच रहे थे भैया इनको कोई काम देनी चाहिए, लिखा पढ़ा तो किया उसको कोई काम देनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद कोई काम नहीं कर रहे थे। तब वहाँ पर एक मणिपुर है, वहाँ पर हाँ आसाम है, वहाँ पर इन्होंने जो एक राजा था, राजा का एक बेटा था, तब उनको बेटे को ट्यूशन में प्रभुपाद को लगा दिए, तुम कम से कम बच्चे का ट्यूशन करवाए। हाँ उसी समय में उसमें 100 रुपया देता था, और 100 रुपया उसमें बहुत कीमत है, उसमें 100 रुपया कीमत तो, बोले तुमको महीना में 100 रुपया देंगे, बड़ा कीमत तो उसमें 100 रुपया की है। अभी जब प्रभुपाद बच्चे को ट्यूशन कराते थे, पढ़ाया करते थे, लेकिन पढ़ाने का साथ साथ ना साधारण पुस्तक तो पढ़ाया करते थे, उसको साथ साथ में उन्होंने भक्ति का भी उन्होंने पाठ पढ़ाया करते थे। ये जीवन कितना दुर्लभ है, भगवान हमें ये जीवन क्यों दिया है? विषय तो हर जीवन में भोग करता है, लेकिन मानव जन्म का सार्थकता कैसे है? इसलिए भागवत में बताया ना, तुल्याम लभनापि न स्वर्ग, बोलो किसो श्लोक याद है, बोलो इस श्लोक को, तुल्याम लब, इस श्लोक को सबको रट देना, ये बहुत साधु संघ की क्या महिमा इसमें बताए। बोले तुल्याम लभनापि न स्वर्ग न अपनर्भव भगवत भक्त संगस मर्त्या नाम के मुताशिष। जब श्री पृथ्वी महाराज के घर में ये चतुसन आए, तब ये पृथ्वी महाराज भगवत अवतार सत्याविश अवतार, तब भगवान साधु संघ की महिमा को कह रहे हैं। अगर जीवन में एक लव अगर साधु संघ हो ना, बोले एक लव कितना समय, बोले 1 सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का 1वां भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय भी जीवन में साधु संघ हो जाए, साधु संघ की इतने महिमा है, जिसको साथ में स्वर्ग का आनंद, मोह जन तप सत्य सत्यलोक सुपर जो ब्रह्मलोक का जो आनंद है, वो साधु संघ की एक मुहूर्त साधु संघ की महिमा को साथ में बराबर नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जैसे साधु नयनमणि मंजरी, अभी उनको धीरे धीरे कथा सुनाते सुनाते ना, अभी वो बच्चा धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया, गले में कंठी की धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, और वो बच्चा धीरे धीरे माला जप करना शुरू कर दिया, और जो पहले पिता माता को जो प्रेम इतना करता था ना, अभी धीरे धीरे पिता माता के प्रति प्रेम कम हो गया, प्रभुपाद को ज़्यादा वैष्णव का प्रेम, समय हो तो बैठ करके हरिनाम करना, गीता। इतने में जो रानी थी ना, राजा को बोले तुम किसको पास में ट्यूशन पढ़ाने के लिए दिए हैं, किसको पास में, ये तो धीरे धीरे मेरे बेटा धीरे धीरे साधु होते जा रहा है, हाँ ये तो धीरे धीरे साधु हो जाएगा, और राजा का बेटा जो भविष्य में राज सिंहासन को संभालेगा, ये तो धीरे 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 साधु बन जाएगा। और रानी ने कहा इसको भैया इससे अलग करो, प्रभुपाद अलग करो, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, हैं बोले नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, इसको अलग कर दो यहाँ से, हैं अलग करो यहाँ से। जब उन्होंने ऐसे बोले, इतने में उनको राजा ने बोले प्रभुपाद को बोले, बिमला प्रसाद तुमको बच्चे का ट्यूशन करने का जरूरत नहीं, इसलिए महीना में जो मैं 100 रुपया देता था ना, पूरा के पूरा तेरे को जो तनख्वाह, तुम्हारी जो तनख्वाह है उसको पूरा के पूरा 100 रुपया लो, मेरे बच्चे को पढ़ा मत। तो प्रभुपाद ने कहा देखो, मैंने जो उद्देश्य से यहाँ पर आया था, मेरे उद्देश्य खत्म हो गया है। बोले किस लिए, बोले उनकी लाइब्रेरी में, राजा का बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, वो लाइब्रेरी में पुराण इतिहास वेद उपनिषद बहुत पुराने ग्रंथ उसकी लाइब्रेरी में था। इसलिए प्रभुपाद ने उस समय क्या किया, सारे ग्रंथ को उन्होंने पढ़ चुके थे, सारे ग्रंथ को उन्होंने पढ़ लिया था उस समय रह करके। बोले जिस काम के लिए मैंने किया था, मेरी काम मेरी पूरी हो गई, इसलिए आपको पैसा देने का कोई जरूरत है नहीं, पैसा देने का जरूरत नहीं, मेरा काम पूरी हो गई है, इसलिए मैं जा रहा हूँ।
फिर उन्होंने उसको बाद में वहाँ से चले गए, फिर उन्होंने श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, उसको बाद में फिर उन्होंने स्वयं उन्होंने सन्यासी ग्रहण किया, और सन्यासी ग्रहण करते हुए उन्होंने फिर उन्होंने प्रचार और प्रसार उन्होंने फिर शुरू किया, प्रचार प्रसार शुरू किया। क्या कर रहे थे प्रभुपाद? सोच रहे थे हमारे गुरुवर्ग भक्त विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमें आदेश दिया, पत्रिका प्रकाश करो, जगत में प्रचार प्रसार करो, मेरे पास में कोई जन बल नहीं, अर्थ बल नहीं, मैं करूँगा कैसे? तो रात में उन्होंने स्वप्न समाधि में देखा महाप्रभु परिकरों को साथ में प्रकट हुए, गुरुवर्गों को साथ में प्रकट हुए, बोले कोई चिंता मत करो, केवल तुम सुर करो, तुम्हारी पीछे पीछे मैं लोगों को पीछे पीछे तुम लोगों को भेज रहा हूँ, केवल तुमने सुर करो। प्रभुपाद कहते हैं पहले तो मैं समझता था मेरे साथ में कोई है ही नहीं, लेकिन जब महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले कोई चिंता नहीं, केवल तुम शुरुआत करो, हम तुम्हारे साथ में सबके सब। प्रभुपाद कहते हैं मेरे अंदर में तो 100 गुण ज्यादा मेरे अंदर में जोश आ गया, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य। फिर उन्होंने बड़े धूमधाम से फिर उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया, और करते 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 संपूर्ण विश्व को उन्होंने भगवान की प्रेम की बाढ़ ऐसे लाए, सारा विश्व को उन्होंने डुबा दिया। इसलिए प्रभुपाद कहाँ जन्म हुए हैं, कहाँ पर जन्म हुए बोलो, भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती कहाँ जन्म हुए, कौन बोलेगा, कौन बोलता है पूरी, कौन सा पूरी, जगन्नाथपुरी। बोले जगन्नाथपुरी में क्यों प्रकट हुए, कारण क्या? बोले कारण इसका यही कारण बताए, ये भविष्य हमारे पद्म पुराण में बताया, जितने बड़े बड़े संत जगन्नाथपुरी में जन्म लेंगे, और वहीं से हुत्कले पुरुषोत्तम, जैसे श्री गौर गोविंद महाराज वहीं पर जन्म हुए, और वहीं से भक्ति धर्म प्रचार होगा, सनातन धर्म है, ये पहले से पद्म पुराण में बताया है। और पुरी जो स्थान ये विप्रलम्ब स्थान है, श्री जगन्नाथ जी का स्थान है, पुरी श्री विप्रलम्ब स्थान है, जगन्नाथपुरी विप्रलम्ब स्थान, इसलिए उन्होंने जगन्नाथपुरी में श्री प्रभुपाद जन्म हुए। तीसरा कारण बताए श्रीमान महाप्रभु पुरी में ही 18 साल तक पुरी में रहे, 24 साल तक पुरी में रहे महाप्रभु, और जो प्रेम को उन्होंने पुरी में छोड़ कर गए महाप्रभु, जो प्रेम को छोड़ कर गए प्रभुपाद, फिर वहीं पर आकर के उसी प्रेम को आगे धीरे 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 उन्होंने आगे प्रेम को उन्होंने बढ़ाया। इसलिए श्री प्रभुपाद कहाँ पर जन्म हुए, श्री जगन्नाथपुरी में जन्म हुए। बोला श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, सपरिकर गौर हरि की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की, समागत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। टाइम हो गया ना, टाइम हो गया, हाँ इसलिए कहते हाँ हाँ, इसलिए प्रभुपाद का बहुत सारी चरित्र है, इसलिए हम जो सवेरे हाँ सवेरे जो हम कथा कर रहे हैं ना, सवेरे जो इनके घर में कथा करता हूँ, यही प्रभुपाद का प्रश्न और उत्तर है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं हमारे अंदर में जो आता है और उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिए हैं, बहुत बढ़िया ग्रंथ, सवेरे जो हम कथा सुन रहे हैं बहुत बढ़िया कथा है, अलग अलग भक्तों ने कैसे प्रश्न किया और प्रभुपाद कैसे उन्होंने कैसे उत्तर दिया है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसलिए प्रभुपाद हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करें, हाँ हम सबको ऊपर में कृपा करें, उनसे चरण से प्रार्थना करो, आप जिस प्रेम को लेकर के आए और जो प्रेम को देना चाहते हो, हैं जैसे सारा जीवन हम लोग गुरु वैष्णव की आनुगत्य में रह करके सारा जीवन भक्ति कर सके, भगवान की भजन कर सके, वो हम सबको ऊपर में प्रभुपाद का आशीर्वाद हो। बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की, सपरिकर प्रभुपाद की, सपरिकर गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है, गुरुदेव की आरती करोगे ना, आरती करना है करो। नेवर से ना।